लोकसभा क्षेत्र चंबा कांगड़ा के युवा कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल का नूरपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सभी कांग्रेसी एकजुट नजर आए। नूरपुर पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने सभी कांग्रेस नेताओं के साथ नूरपुर के प्रसिद्ध ब्रजराज स्वामी मंदिर में माथा टेका व अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस अवसर पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान काजल ने कहा कि ये चुनाव आम आदमी और बड़े आदमी के बीच है। लोकसभा क्षेत्र चंबा कांगड़ा के युवा कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल का नूरपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सभी कांग्रेसी एकजुट नजर आए। नूरपुर पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने सभी कांग्रेसी नेताओं के साथ नूरपुर के प्रसिद्ध ब्रजराज स्वामी मंदिर में माथा टेका व अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए काजल ने कहा कि ये चुनाव आम आदमी और बड़े आदमी के बीच में है। उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं और अपनी राजनीति ट्रैक्टर चलाने से शुरू की और हमेशा आम आदमी के बीच ही रहा। उन्होंने कहा कि मैं दो बार जिला परिषद व दो बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मिस्ड कॉल विधायक के नाम से आम जनता में मशहूर हो गया और अब 23 तारीख को मिस्ड कॉल एमपी के नाम से मशहूर होने जा रहा हूं। काजल ने कहा कि जब भी जनता किसी कार्य हेतु याद करती है तो मुझे सिर्फ मिस्ड कॉल ही करती है और उनको जवाब देना आगे मेरा दायित्व रहा है और जिस पर मैं खरा भी उतरा हूँ। काजल ने कहा कि एक तरफ जुमलेबाजी वाली भाजपा पार्टी है और दूसरी तरफ संस्कारी कांग्रेसी पार्टी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी जात पात पर चुनाव नहीं लड़ती जबकि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर और जात पात के नाम पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने पूर्व सांसद शांता कुमार पर भी आरोप लगाया है कि अपने पिछले कार्यकाल में लोगों से जो झूठे वायदे किए थे उस पर भी खरा नहीं उतरे और एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आज इन्हीं कारणों से उनका टिकट तो कट गया लेकिन अपने चेले को टिकट दिलवाने में सफलता हासिल की जिसके लिए वो दर दर भटक रहे हैं। लेकिन अब उन्हें जनता को जवाब देना है कि सांसद रहते हुए नूरपुर व चंबा में कितनी बार आए। काजल ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र एक जुमलेबाजी है। प्रदेश सरकार को बने सवा साल हो गया है लेकिन प्रदेश सरकार अपनी कोई भी उपलब्धि न बताकर मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सवा साल से स्कूलों में वर्दियां तक मुहैया नहीं करवाई गई हैं और ना ही होनहार बच्चों को लैपटॉप वितरित हुए हैं। काजल ने कहा कि अगर मैं एमपी बनता हूं तो लोगों से न मिलने की प्रथा तोड़कर जनता के मध्य रहूंगा, वो मिस्ड कॉल वाला एमपी कहलाऊंगा। ये तो जब 23 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तब पता लगेगा। ये जो चुनाव है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तो है ही, पर ये चुनाव एक आम आदमी का, एक आम व्यक्ति का और एक आम आदमी का, जो ट्रैक्टर चलाने से शुरू की थी उसने राजनीति, ट्रैक्टर चलाने से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, एक छोटे आदमी की और बड़े आदमी की लड़ाई है। एक तरफ मतलब कांग्रेस पार्टी जो संस्कारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कभी भी जात पात पे चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ओबीसी है, ये गद्दी है, इस पे राजनीति करती है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 7 तारीख से जो अपना अभियान शुरू किया है, लोगों का जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है 23 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के जुमले सामने आ जाएंगे। ये ठीक है, कई लोग कह रहे हैं ना कि जो भी सरकार हो थोड़ा सा खुल के नहीं आते हैं, पर जो इंटरनल जो लोग एक आम आदमी पवन काजल, और मैंने कहा है मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कि अगर मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो मैं अभी जो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से दो बार मैं चुनाव जीता, वहाँ से मुझे मिस्ड कॉल वाला विधायक बोलते हैं, मिस्ड कॉल वाला विधायक बोलते हैं, अगर मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया तो मैं मिस्ड कॉल वाला एमपी बनूंगा। प्रायोरिटी रहेंगी अगर आप इलेक्शन जीते हैं? सबसे पहले तो मैंने जो इनके जो झूठे वादे थे, जो ये 10-12 सालों से भी झूठे वादे करे थे, मैं उसका प्रयास करूंगा। और मैं जब से 4 तारीख को मैं टिकट लेके जब एयरपोर्ट पे आया तो मैं खुले मंच से कहा था कि कांगड़ा जो चंबा में सिकरीदार में जो सीमेंट का प्लांट था जो इन्होंने पिछले
30 सालों से वादे किए जिसने भी किए हैं उसको अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 5 साल में उसको शुरू कराएंगा। पवन काजल एक आम आदमी का एमपी होगा। पवन काजल एक आम आदमी और काम करने की क्षमता रखता है। उसे क्या सम्मानते हैं जिसको? ऐसा ना, ये तो जुमलेबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से मैं तंग हूँ, जनता भी तंग है। जो मैंने आपसे पहले भी कहा, ये हर कुछ बोलेंगे। अब इनको इनकी नाक का सवाल आ गया कि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मोदी। मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये सरकार 1.25 साल सरकार को बने हुए हैं और वोट किसके लिए मांग रहे हैं? मोदी के लिए। अपना कुछ नहीं बता रहे भी हिमाचल सरकार में इस 1.25 साल में क्या किया, कुछ भी नहीं किया। आज मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी बात है, छोटी सी 1.25 साल हो गया, आज तक बच्चों को बेसिक चीज होती वर्दियां नहीं मिली हैं। आज तक जो स्कॉलरशिप में बच्चे आते हैं उनको लैपटॉप को मिल दे, एक भी किसी भी बच्चे को लैपटॉप नहीं मिला। तो आज मैंने दो तीन चार दिन से मैं लगातार पत्रकारों के माध्यम से इनको मैसेज दे रहा था। तो आज मैंने अखबार में पढ़ा भी बहुत जल्दी हम वर्दी देने वाले हैं। तो पवन काजल अभी शुरू हुआ है, अभी 4 दिन से उसने वर्दी की रट लगाई और उनको स्टेटमेंट देनी पड़ गई। आगे देखो अभी आगे होता है क्या। मैं बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी है और जनता की जुड़ी हुई भावनाओं को मैं आगे तक पहुंचाऊंगा, दिल्ली तक पहुंचाऊंगा।